सपा प्रत्याशी मौलाना भागते नजर आए बाबा साहेब तस्वीर पर पुष्प अर्पित क्यों नहीं किए। रामपुर जनपद की तहसील बिलासपुर में एक कार्यक्रम के दौरान सपा प्रत्याशी मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की तस्वीर पर पुष्पमाला अर्पित क्यों नहीं की। इस सवाल को लेकर मीडिया ने राजनीति में हलचल मचा दी है। सवालों से भागते नजर आए मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी, जो कि लोकसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी हैं। भले ही मीडिया के सवाल का जवाब मौलाना ने ना दिया हो, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार महमूद प्राचा ने मौलाना को और पूरी सफाई को आरएसएस का एजेंट बताया। उन्होंने कहा कि लोकसभा का चुनाव लड़ने नहीं आए, बल्कि भाजपा के एजेंट के रूप में काम करने आए हैं, जिससे भारत का संविधान रचा। उस बाबा भीमराव अम्बेडकर से भागते नजर आए मौलाना सपा प्रत्याशी है। भारत के नागरिकता के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। महमूद प्राचा निर्दलीय उम्मीदवार, उन्होंने मौके का लाभ उठाकर मौलाना के सपा प्रत्याशी होने तक पर हमला बोल दिया। मामला भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती को लेकर तस्वीर पर पुष्प अर्पित करने को लेकर तूल पकड़ता गया, जिसको लेकर मौलाना मीडिया के सवालों से भागते नजर आए। आपने अम्बेडकर जी के मंच पर मल्लार्पण क्यों नहीं किया? प्रोग्राम सर, आज समाजवादी पार्टी के गठबंधन के जो प्रत्याशी है नदवी साहब, उनसे उन्होंने अम्बेडकर जी की फोटो पर पुष्प अर्पित नहीं किए, और जब उनसे सवाल पूछा तो वो मीडिया से बचते नजर आए और भागते नजर आए। क्या कहें? जो अम्बेडकर साहब की इज्जत नहीं कर सकता, वो भारत के संविधान की इज्जत नहीं करता, वो भारत की इज्जत नहीं करता, वो सिर्फ एक ही जमात का हो सकता है व्यक्ति, वो है आरएसएस। आज जो मैंने ये देखा है कि बाबा साहब की इज्जत नहीं की, वो चाहे कोई भी होता, चुनाव साइड में हट गया आज मेरे लिए। बाबा साहब की जो इज्जत नहीं कर सकता, वो सिर्फ आरएसएस का आदमी हो सकता है, और कोई ऐसा नहीं है। क्योंकि बाबा साहब ने महिलाओं को इज्जत दी, बाबा साहब ने गरीबों को इज्जत दिलवाई, बाबा साहब ने एससी एसटी ओबीसी सारी माइनॉरिटीज़ के लोगों को इज्जत दिलवाई। बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार देके इंसान को इंसान के बराबर किया। यही तो कुरान की सीख है, इंसाफ और बराबरी कुरान ने सिखाई। तो मुझे नहीं लगता जो बाबा साहब की इज्जत नहीं कर सकता, वो किसी भी चीज़ की इज्जत कर सकता है। वो देश का भी गद्दार है, वो संविधान का भी गद्दार है, और वो हम सब समाज का भी गद्दार है। वो किसी का सगा नहीं हो सकता जो बाबा साहब की इज्जत नहीं करता, ये बात तय है। और ये चीज़ सिर्फ वही कर सकता है जिसकी ट्रेनिंग आरएसएस के अंदर हुई हो, और कोई नहीं कर सकता है काम। अच्छा, गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि हम संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, एक साथ आए हैं, और ये जो है संविधान निर्माता का किस तरीके से फूल नहीं चढ़ाए और बगैर जवाब दिए चले गए, क्या मानते हैं? मैं कह रहा हूँ ना, ये जो मजहबी आज़ादी दी है ये बाबा साहब ने दिया, इतनी मुश्किल लड़ाई करके आर्टिकल 25 से 30 तक जो दिया है ना, ये बाबा साहब ने दिया है। वरना जो आज बातें चल रही है ना, इस संविधान को जला के हिंदू राष्ट्र बनाने की, वो तो पहले ही बना हुआ था ना, अगर बाबा साहब ना होते और उनके मुट्ठी भर साथी ना होते। हमारे मुस्लिम समाज ने अपनी सीट कुर्बान करके बाबा साहब को जो भेजा था संविधान बनाने वाली कमेटी में, पागल थे उस समय के लोग क्या, या ये लोग पागल हैं? ये कोई पागल नहीं है, ये आरएसएस के एजेंट हैं। बाबा साहब की जो इज्जत नहीं करेगा, वो सीधा सीधा आरएसएस का एजेंट है, और उसका समर्थन करने वाला भी संविधान का दुश्मन है, वो संविधान का हितैषी कभी नहीं हो सकता। बाबा साहब के नाम पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कतई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जो उनकी बेइज्जती करेगा वो हमारा दुश्मन है। आप नदवी साहब को क्या संदेश देंगे? नदवी साहब को अब आरएसएस से ट्रेनिंग लेनी बंद कर देनी चाहिए। अब आज मेरा ये चीज़ देख के मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी है, परेशानी भी है। बिल्कुल, जो यूसुफ लुलू हैं, जिन्होंने टिकट बना दिलवाया उन्हें, वो भी आरएसएस के आदमी हैं। उन्होंने ही तो अखिलेश यादव को पता नहीं कैसे इन्फ्लुएंस करके टिकट दिलवाया, और वो किसके, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के तो आदमी हैं। आज खुल के आ गई ना बात, यही बदतमीजी कराने के लिए, यही देश के सभी बहुजनों की बेइज्जती कराने के लिए टिकट दिया था क्या? बाबा साहब की बेइज्जती करेंगे? इस देश में रहने का अधिकार नहीं है किसी को भी जो बाबा साहब की बेइज्जती करेगा। खबर भारत वर्ष के लिए रामपुर यूपी से आसिम अजीज की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।